नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुज है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। तो बेटा, बड़ा डिमांडिंग सेशन है ये और इसकी काफ़ी टाइम से मुझे डिमांड आ रही है। तो ये आज हम सीखने वाले हैं थोड़ा सा आपका, कि नाउन को एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, वर्ब का नाउन कैसे बनाते हैं। तो वही सब चीज़ें हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। उसमें हम थोड़ा बहुत मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इसका होता क्या है, कि इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। लेकिन क्या है कि जितना भी प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में मैंने इन्हें जो नोट किया है क्वेश्चंस को, मतलब जितने भी अब तक जो जब से ऑनलाइन हुआ है एग्जाम, उसमें जो कुछ क्वेश्चन मैं चुन चुन के लेकर आया हूँ, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी कि कैसे बनाया जाता है, कैसे इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करके नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब वगैरह बनाया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, 10 से 15 के करीब क्वेश्चन होंगे, उन पर डिस्कस करूंगा, उन्हीं के साथ आपको बताऊंगा मैं चीज़ें, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ है कि वोकैब के डोज वाला जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसका हम क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसका रिविजन कर रहे हैं। रिविजन का आज हमारा पहला क्लास आया था, उसे देख लीजिएगा। कल को हम इसका रिविजन पूरा कंप्लीट कर लेंगे दूसरी क्लास में, ठीक है। फिर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द एडजेक्टिव ऑफ गिवन वर्ड। तो आपको यहाँ पर क्या है, ग्लोरी का क्या है, फाइंड आउट करना एडजेक्टिव। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि अब एक चीज़ है कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर रखी, जितने भी हमारे ओ यू एस एंडेड वर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सीधी सी बात है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लोरियस ओ यू एस एंडेड वर्ड है और ओ यू एस एंडेड वर्ड क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। तो ग्लोरी का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, आपका ग्लोरियस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, इफ एनी वर्ड इज एंड्स विद ओ यू एस, अगर कोई वर्ड ओ यू एस से एंड हो तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच हो क्या होगा, उसका पार्ट ऑफ स्पीच उसका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे कह सकते हैं जुडिशियस, न्यूमरस, सस्पीसियस, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो चलिए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उन्हें मैंने यहाँ पर ले रखा है, उनसे आप चीज़ों को सीख सकते हो। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला है, फाइंड आउट द करेक्ट नाउन ऑफ गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, नाउन पूछ रहा है। अच्छा बेटा, ये जो है रिफ्लेक्ट, ये जो है एफ एल है यहाँ पर, ठीक है। ये जो ओ आर है ना, ये ऊपर ऐसे टंगा हुआ सा, तो इसे आप क्या समझो, इसे एफ एल समझना। जैसे कि आर ई एफ एल ई सी टी आई एन, आर ई एफ एल, ठीक है। इसे एक बार मैं सही ही करा देता हूँ, रुक जाओ आप थोड़ा, 2 मिनट वेट करो। तो अब देखो क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट का आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, नाउन पूछ रहा है। और मैं आपसे ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जितने भी हमारे आई ओ एन एंडेड वर्ड होते हैं, जिस भी वर्ड का एंड आई ओ एन से होगा, तो प्रोबेबली 95% चांस होंगे कि हमारा क्या होगा, हमारा बेटा उसका पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट क्या है, रिफ्लेक्ट बेटा आपकी ये है वर्ब, ठीक है, ये है आपकी वर्ब। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे अगर एक और क्वेश्चन ऐड कर देता, मैं पूछता बेटा आप मुझे पास्ट पार्टिसिपल बताओ, किसका, रिफ्लेक्ट का मुझे पास्ट पार्टिसिपल बताओ, तो आपका आंसर क्या होता, तो क्या होना चाहिए आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन, रिफ्लेक्टेड। तो ध्यान रखना बेटा, जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है हमारा, उसे वो बेसिकली क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पास्ट पार्टिसिपल के, कि इसका पास्ट पार्टिसिपल आप बताओ, तो सी ऑप्शन क्या है बेटा आपका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टेड, अगर मैं इससे पूछता कि आपका मुझे यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल बताओ। अच्छा, अगर मैं पूछता बेटा प्रेजेंट, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बताओ, तो क्या होता आपका आंसर, तो आपका आंसर हो जाता है बेटा रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग क्या, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं, या बेसिकली आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही हमारी क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कट का क्या है, कट का पास्ट पार्टिसिपल बताओ, कट का क्या बताओ, पास्ट पार्टिसिपल बताओ, तो क्या हो जाएगा कट का पास्ट पार्टिसिपल बेटा, कट का पास्ट पार्टिसिपल आपका कट ही होगा, क्योंकि आपकी जिसकी फॉर्म्स होती हैं वो क्या चलती हैं, कट कट कट, है ना, यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी कट ही होती है, सेकंड भी और थर्ड भी, तीनों फॉर्म आपकी सेम ही होती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है, जैसे और क्वेश्चन दे सकता है, पुट, पुट का पूछ सकता है आपका बेटा, पुट का क्या बताओ, पास्ट पार्टिसिपल बताओ, तो पुट की फॉर्म भी क्या होती है, पुट, फर्स्ट फॉर्म भी पुट ही होती है, सेकंड भी पुट ही होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, पुट ही आपकी सेम होती है, ठीक है। तो पुटेड मत करना इसे, समझ गए। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन तरीके समझते हुए। तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ गिवन नाउन। आपसे यहां पर फेमिनाइन जेंडर पूछ रहा है किसका, प्रोफेट का, प्रोफेट का आपसे फेमिनाइन जेंडर पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा प्रोफेट्स, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ गिवन नाउन। तो अब यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव पूछ रहा है आपको, नाउन दिया है, एडमायर हमारा क्या है, नाउन, एडमायर मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। तो देख लेते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। अब मैंने आपको बताया कि ओ यू एस एंडेड वर्ड जो होते हैं हमारे एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन आपको चीज़ें और थोड़ी समझनी होंगी। क्या समझनी होंगी यहाँ पर, देखो
अब यहाँ पर थोड़ा इसमें देखो आप आंसर में कि इफ एनी वर्ड्स एंड विद फुल, यानी अगर कोई वर्ड जो एंड के लास्ट में फुल होगा, जैसे ब्यूटीफुल है ना, तो वो हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, एडजेक्टिव होंगे। अगर कोई वर्ड एबल से एंड होगा तो वो भी क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव ही होगा। जैसे पोर्टेबल, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई सी आएगा तो वो भी हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे रियलिस्टिक, अगर ये तो मैंने आपको बताया रखा किसी वर्ड के लास्ट में ओ यू से आएगा तो क्या होगा, वो भी एडजेक्टिव होगा। तो जैसे कंटिन्यूअस, किसी वर्ड के लास्ट में लेस आएगा वो भी हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। जैसे माइंडलेस, ठीक है, किसी वर्ड के लास्ट में आई वी ई आ जाएगा वो भी हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे ओफेंसिव, ये क्या है, ओफेंसिव है, ठीक है, ओ एफ ई एन सी आई वी, ओफेंसिव। जैसे किसी वर्ड के लास्ट में ओ एस ई आएगा, ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से शान वाला, शान वाला, चमकता हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं, आलीशान कह सकते हैं ग्रैंडियोस, ठीक है। तो देन इट विल बी एन एडजेक्टिव, तो ये क्या है, एडजेक्टिव होंगे। तो या इन्हें लिख लेना आपकी जो जितने भी फुल से, अगर कोई वर्ड फुल से एंड होगा, एबल से एंड होगा, आई सी से एंड होगा, ओ यू एस से होगा, लेस से, आई वी ई या ओ ओ एस सी से एंड होगा, तो क्या होगा, हमारे वो एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती नहीं, ये होती है या नहीं। एडमायर हमारा नाउन है, हमें क्या है, एडमायरेबल, ये क्या होगा, इसका करेक्ट एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि एबल से एंडेड वर्ड है, तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो कैस्टल इज द प्लेस ऑफ, तो पूछ रहा है कैस्टल किसका प्लेस है, तो कैस्टल बेटा किन का प्लेस होता है, ये बेटा प्लेस होता है आपका नोबल मैन का। तो क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब मैं पूछता हूँ आपसे, मोंक कहाँ रहते हैं, बताओ मोंक कहाँ रहता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मोंक कहाँ रहते हैं, ठीक है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लुनेटिक्स कहाँ रहते हैं बेटा, ये रहते हैं एजाइलम में, कहाँ रहते हैं ये, एजाइलम में रहते हैं, ठीक है। नन कहाँ पर रहती हैं बेटा, ये कॉन्वेंट में रहती हैं, कहाँ पर रहती हैं, कॉन्वेंट में रहती हैं। प्लेस ऑफ, आपसे पूछेगा प्लेस ऑफ नन, प्लेस ऑफ नोबल मैन, प्लेस ऑफ लुनेटिक, लुनेटिक्स, सॉरी लुनेटिक्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पागल, पागल जो होते हैं हमारे। और मोंक, मोंक क्या होता है, भिक्षु होता है। तो इसकी जगह ये कहाँ पर रहता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरा बताना, ठीक है। चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट नाउन ऑफ गिवन वर्ड, तो यहाँ पर आपको नाउन बताना है। तो ये वर्ड क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा, ओ यू एस एंडेड वर्ड, सीधी सी बात है क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपको इसमें, यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसे, इफ एनी वर्ड एंड्स विद एम ई एन टी मेंट टी आई ओ एन, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, आई एस टी टी वाई है ना, तो उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बेटा, उनका पार्ट ऑफ स्पीच होगा आपका नाउन। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये फॉलो होता है नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं हमारा मेंट से एंडेड वर्ड है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा बी ऑप्शन क्या है, क्या है, आई टी वाई, टी वाई से एंडेड वर्ड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ब्यूटी, ब्यूटी भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है और टी वाई से एंडेड है। तो इस तरह क्यूरियोसिटी भी हमारा नाउन है और क्या है, टी वाई से एंडेड वर्ड है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये आपको क्या है, थोड़ा हिंट दे सकते हैं, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपने अगला क्वेश्चन। तो अगला फाइंड द करेक्ट नाउन ऑफ गिवन वर्ड, तो आपको क्या है, अब इसका कंपेल का आपको क्या बताना, नाउन बताना। तो क्या हो जाएगा कंपेल का नाउन बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि आई ओ एन से एंडेड वर्ड क्या होते हैं आपके, नाउन होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका कंपल्सन, कंपल्सन क्या है, कंपेल का आपका करेक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया मेंट टी आई ओ एन है ना, एस टी नेस, ये नहीं बताया, ये लिख लेना कि अगर कोई वर्ड नेस से एंड एनी डबल एस से एंडेड होगा तो वो क्या होगा हमारा, वो भी हमारा नाउन होगा। जैसे आप देख सकते हैं फेयरनेस है ना, ब्यूटी टी वाई से बता दिया, सी वाई, अगर कोई वर्ड सी वाई से एंडेड होगा वो भी हमारा क्या नाउन होगा, क्या होगा, नाउन हो जाएगा। जैसे डेमोक्रेसी है ना, प्लूटोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते, अगर किसी वर्ड के लास्ट में टी यू डी ई आए, जैसे एटीट्यूड, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस आई एस आए, जैसे बेसिस, ठीक है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई एस एम आए, जैसे सोशलिज्म, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ए आर वाई आए, जैसे मेमोरी, ठीक है, सॉरी आर वाई आए, ए आर वाई नहीं, आर वाई आए, ठीक है, तो जैसे मेमोरी, अगर किसी वर्ड के लास्ट में डबल ई आर, ई आर या ओ आर आए तो वो भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा। जैसे टीचर, मेंटर, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ए जाए, जैसे पैसेज, वो भी हमारा नाउन होगा। तो ये है इन, अगर जो भी हमारे इन सबसे एंडेड वर्ड होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, इसे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बहुत डिमांड थी आपकी सेशन की, तो मैंने बड़ा मुश्किल से कंटेंट को कंपाइल किया और फिर लेके आया हूँ आपके सामने। हो सकता है सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं देखे हुए होंगे, क्योंकि ऐसा है हमने जितना भी आपको प्रीवियस ईयर अब तक पूरा कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपको हमने दे दिया है, मतलब चाहे भी किसी भी तरीके में दिया हो, हमने डोज के रूप में दिया हो आपको, या फिर पीटीएस के रूप में दिया हो, कैसे भी दिया हो, लेकिन हम क्या है इसे कहीं ना कहीं करा चुके हैं जितना भी आपका टोटल प्रीवियस ईयर है। ये क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पूरे रिपीट होते हैं, क्या रिपीट होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस कहां से बनाएंगे, वो लेवल भी तो उन्हें मेंटेन करना है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला फाइंड आउट द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ गिवन वर्ड, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ फेमिनाइन जेंडर भी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूक का आप क्या बताओ मुझे, आप फेमिनाइन जेंडर बताओ, ये क्या मैस्कुलाइन जेंडर है, तो क्या होगा इसका, डचेस हो जाएगा हमारा करेक्ट फेमिनाइन जेंडर। तो बी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट जेंडर, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जेंडर देखते हैं हम, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए
अब जैसे विजार्ड है, तो विजार्ड का क्या है हमारा फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, विच होगा, ठीक है। नेफ्यू का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, नाइस होता है। मास्टर का क्या होता है, मिस्ट्रेस होता है। हियर का क्या होता है, हियरेस होता है। एम्परर का क्या होता है, एम्प्रेस होता है। बैचलर का होता है स्पिनिस्टर, ठीक है। ऑथर का क्या होता है, ऑथरेस होता है, ठीक है। इन्हें लिख लीजिएगा बेसिकली अपने कहीं पे, आप जब भी नोट्स बना रहे हैं इन्हें लिख लीजिएगा एक जगह, ठीक है। देख लेते हैं, चलो अगला कह रहे फाइंड आउट द करेक्ट नाउन ऑफ प्रिफर। प्रिफर का आप करेक्ट नाउन बता देंगे तो ये तो आप खुद ही बता देंगे, पीछे जितना भी मैंने चीजें पढ़ाई हैं उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन लगाएंगे तो आराम से बता देंगे अपने प्रिफर का नाउन। तो क्या हो जाएगा प्रिफर का नाउन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन मत लगा देना बिल्कुल भी भूल के भी। तो क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन क्या है, प्रिफरेबल हो जाएगा करेक्ट नाउन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो वाइफ का यहाँ पर क्या है आपसे प्लूरल पूछ रहा है, वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा आपका। क्या है डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वाइफ्स। वाइफ्स ये क्या है, वाइफ का हमारा प्लूरल होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अब पूछ रहा है फाइंड आउट द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ गिवन वर्ब। ये जो वर्ब है ना आपका क्रिएट, आप सभी को पता है क्या है, वर्ब है। तो आपको क्या बताना है इसका, इसका आपको बताना है बेटा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बताओ उसका क्या होगा। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्या पूछूं, अगर पूछूं इसका सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं पास्ट पार्टिसिपल बता दो बेटा, मुझे क्या होगा पास्ट पार्टिसिपल बता दो क्या होगा बेटा। क्रिएटेड हो जाएगा आपका इसका पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपका पास्ट पार्टिसिपल होती है। एक बार बताया, एक बार स्टूडेंट मतलब सही था उसका, अच्छा खासा इंग्लिश था, मैंने ही पढ़ाया था उसे। तो क्या है कि कह रहा मुझसे सर, मैंने पूछा बेटा पेपर कैसा गया, तो आगे कहता है कि सर पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा हार्ड आया था। मैं क्या हार्ड आया था, कह रहा कि सर पूछ रहा था पास्ट पार्टिसिपल बताओ इसका। मैं कहा पास्ट पार्टिसिपल ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, क्यों कैसे नहीं बता पाया, क्या सर पास्ट पार्टिसिपल तो मुझे याद नहीं था या ये वो पता नहीं कहने लगा। मैं कहा इतना पढ़ाया तुझे बेवकूफ़, तुझे पास्ट पार्टिसिपल नहीं बताया गया। तो बेसिकली बहुत छोटी सी चीज होती है, इतना पास्ट पार्टिसिपल टर्म सुनने में बड़ा लगता है लेकिन आप ध्यान रखना हमारा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना ध्यान रखो बस। जब आप पूरा वर्ब एडवांस पढ़ोगे तब इसके बारे में पढ़ना, लेकिन अब ध्यान रखो कि पास्ट पार्टिसिपल आपका क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं। तो क्रिएट का अगर मैं आपसे पास्ट पार्टिसिपल पूछूं तो क्या हो जाएगा, क्रिएटेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछूं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका वर्ब की फॉर्म में आईएनजी होता है तो क्रिएटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बेटा, क्रिएटिंग हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इसका नाउन बता दो चलो मुझे, तो नाउन क्या होगा आपका, ए ऑप्शन क्रिएशन हो जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे मुझे एडजेक्टिव बताओ, मेन क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इसका एडजेक्टिव बता दो मुझे, तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्रिएटिव आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिएटेड आपका आई वी ई जितने भी एंडेड वर्ड होते हैं आपके क्या हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ गिवन वर्ब। अब आपको वर्ब, ये वर्ब दी हुई है प्रोटेक्ट, इसका क्या है एडजेक्टिव बताना है। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछूंगा बताओ बेटा पास्ट पार्टिसिपल, मुझे पास्ट पार्टिसिपल बता दो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड। और अगर मैं आपसे प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछूं क्या पूछूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग। और अगर मैं आपसे बेटा नाउन पूछूं इसका, नाउन पूछूं तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन, आई ओ एन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसका बेटा मुझे एडजेक्टिव बता दो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो अब हमने देखो नाउन भी देखा, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल भी देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी देखा, और आपका क्या है नाउन भी देखा, चारों पांचों चीज हमने देख ली। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप इन्हें बनाइएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस का आपको क्या है प्लूरल बताना है, तो एनालिसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा आपका, आपका ये हो जाएगा ए ऑप्शन एनालिसिस। ये आपकी स्पेलिंग थोड़ा सा याद रख लेना, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम ही होते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस ई एस लास्ट में आता है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा एनालिसिस का, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब पूछ रहा है बेटा फाइंड आउट द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ गिवन वर्ड। तो बेनिफिट का क्या पूछ रहा है आपसे बेटा, बेनिफिट का आपसे पूछ रहा है एडजेक्टिव। अब वही चीज फिर से निकल के आती है, क्या है बेनिफिट, एक वर्ब है, क्या है बेनिफिट, एक वर्ब है। तो बेनिफिटेड क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा ये आपका, एक तरीके से पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेंगे तो बेनिफिशियल हमारा क्या हो जाएगा, आप एक तरीके से बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पास्ट पार्टिसिपल पूछता तो क्या, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछता तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। अभी क्या है एफ आई है, इसकी जगह आप एफ आई मान के चलो, यार मैं कहाँ कहाँ सही करूँ इसे, बहुत सारी जगह हो रखा है, बहुत सारी जगह मैंने कर भी दिया। ये जो ओ है ना ऐसा जो आ रहा है, ये ऐसे यूँ स्टाइल में बना हुआ, तो इसी स्टाइल का मुझे समस्या समझ में नहीं आती क्यों आ जाता है बना हुआ, तो इसे एफ आई समझा करो आप, ठीक है। चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ दी हुई है, ये आपका क्या है देखो, अब आपको गोल्ड का, सेंस का, क्राइम का, इनका क्या है आप एडजेक्टिव ढूंढ के लाओ क्या होगा, ठीक है। गोल्ड का चलो मैं बता देता हूँ, गोल्ड का क्या होगा, गोल्डन होगा, ठीक है। गोल्ड का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा। सेंस और क्राइम का आप क्या है ढूंढ के लाएंगे, गूगल सर्च करना, देखना क्या है कि आपका क्या निकल के आता है, सेंस का और क्राइम का क्या है एडजेक्टिव, मुझे ढूंढ के बताओ क्या होगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड। तो क्या है प्लूरल बताना है, किसका, प्रूफ का आप प्लूरल बताना है। तो क्या हो जाएगा प्रूफ का बेटा, प्लूरल आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रूफ क्या है करेक्ट हो जाएगा। सभी को पता होगा, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना।
तो अगला फाइंड आउट द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फेट है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी वर्ड को लास्ट में फुल से एंड करें तो क्या होगा आपका, वो एडजेक्टिव होगा। तो क्या है ये ऑप्शन क्या है बेटा आपका, करेक्ट हो जाएगा फेटफुल। फेट मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है किस्मत। क्या होता है इसका मतलब, किस्मत होता है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि देखो कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में FUL फेटफुल हो गया, केयरफुल हो गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको स्पेलिंग भी आपकी पूछ सकता है। और स्पेलिंग में क्या है वो हमेशा देखना, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ डबल एल लगा के देगा। लेकिन याद रखना बहुत कम वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में डबल एल आता है, ठीक है। तो डबल एल नहीं आता है लास्ट में जब आप, जैसे फेटफुल है तो इसमें कैसे करके देगा, FUL यहाँ पर लगा देगा, ठीक है, जो कि गलत होता है स्पेलिंग में। तो याद रखना, तो इसमें सिंगल एल आता है ज़्यादातर, जितने भी वर्ड होंगे हमारे उसमें सिंगल एल ही आएगा लास्ट में, इसमें फुल होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला बेटा फाइंड आउट द करेक्ट नाउन ऑफ द गिवन वर्ड। तो नाउन बताना है किसका, डुप्लीकेट का आपको क्या नाम नाउन बताना है। तो क्या हो जाएगा, ION एंडेड वर्ड क्या होते हैं हमारे, नाउन होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल पूछो तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेटेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये गलत है, हमसे नाउन पूछा है। अगर मैं आपसे प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछूं तो डुप्लीकेटिंग हो जाएगा, ये भी गलत है। लेकिन हमसे तो नाउन पूछा है, ठीक है, डुप्लीकेट कुछ भी नहीं होता। चलो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। फाइंड आउट द करेक्ट वर्ब, यहाँ पर आपको वर्ब बतानी है नाउन की। हाइट क्या है, यहाँ पर हाइट एक नाउन है, इसका क्या बताना है आपको, वर्ब बताना है। तो क्या हो जाएगा, हाइटन हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ गिवन नाउन। तो नाउन, उस नाउन का चर्च का आपको क्या बताना है, प्लूरल बताना। तो चर्च का प्लूरल क्या होता है बेटा, चर्च का प्लूरल होता है चर्चेज, ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना। तब सर्कल का आपको क्या बताना है बेटा, इसका एडजेक्टिव बताओ क्या होगा, क्या इसका एडजेक्टिव बताओ मुझे। फंस मत जाना इसमें, वही है रट के चलोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। कहीं कहीं एग्जाम में कंफ्यूज भी करेगा आपको। तो सर्कल का आप क्या है, आप एडजेक्टिव बता दो मुझे क्या होगा। तो आप सर्कल का हो जाएगा एडजेक्टिव, ए ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये ऑप्शन, नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, सर्कुलर करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आप तो जब से गा रहे हो कि ओ यू एस एंडेड वर्ड क्या है, एडजेक्टिव होते हैं। तो भैया सही बात है, एडजेक्टिव होते हैं, मैं तो कह रहा हूँ होते हैं, अब भी होते हैं। लेकिन बेटा सर्कुशियस मतलब पता है क्या होता है, इसका सर्कल से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ घुमावदार होती है, कोई चीज़ घुमावदार होती है, वो क्या होती है, सर्कुशियस होती है। मतलब अगर आप ऐसी कोई चीज़ ऐसे यूँ होगी ना, यूँ करके देखो ऐसी वाली, ये करके ये 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 क्या होती है, सर्कुशियस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी कि कोई भी ओ यू एस एंडेड वर्ड आपको एग्जामिनर दे देगा उसमें तो आप कन्फ्यूज होकर उसमें उसका आंसर लगा दोगे। तो क्या है, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सर्कुलर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ गिवन नाउन। तो इसका आपको क्या बताना है, प्लूरल बताना है। तो ओक्स का प्लूरल क्या होता है बेटा, ऑक्सन होता है, सभी को पता है। सी ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा अगला क्वेश्चन, चाइल्ड ऑफ शिप, शिप के चाइल्ड को क्या कहा जाता है। शिप के चाइल्ड को कहा जाता है बेटा आपका लैम्ब। लैम्ब क्या होता है बेटा, ये होता है आपका शिप का जो है चाइल्ड होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं शिप का प्लूरल क्या होता है, तो शिप का प्लूरल भी क्या होता है, शिप ही होता है, ठीक है। और मैं पूछूं आपसे डियर का प्लूरल क्या होता है, डियर का, इसकी भी, इसका प्लूरल भी क्या होता है हमारा, डियर ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देख लेते हैं अब पहला काफ क्या होता है बेटा। काफ किसका, ये होता है काओ का जो चाइल्ड होता है, वो होता है काफ, ठीक है। पपी किसका होता है, सभी को पता होगा डॉग का होता है। और फान किसका होता है बेटा, ये होता है डियर का, ठीक है। किसका होता है, डियर का होता है। और याद रखना बेटा इस चीज का कि ये क्या है, इसका शिप और डियर क्या है, इनका प्लूरल भी क्या है, सेम ही होता है जो उनका सिंगुलर होता है। आपके एग्जाम में शिप का तो हर बार ही क्वेश्चन आता है, हो सकता है इस बार डियर का पूछ ले, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला फाइंड आउट द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गिवन वर्ड। पास्ट पार्टिसिपल बताना बेटा, गलत कर दिया ना तो वहीं आगे जहां जहां बैठो घर घर आके चांटे लगाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो बताओ एनिमेट का क्या है, एनिमेट का आप मुझे पास्ट पार्टिसिपल बता दो, मुझे पक्का पता ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ए ऑप्शन भी आपने लगाया होगा एनिमेटेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधा सा आपसे पूछी है। मतलब क्या है कि आपसे सीधा सा सीधी सीधी नहीं कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बताओ, आपसे थोड़ा सा घुमा फिरा के क्या है, क्या सीधे सीधे कान नहीं पकड़ रहा, घुमा मतलब दूसरे हाथ मतलब घुमा फिरा के आपका कान पकड़ रहा है। तो वही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बतानी, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो बी ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे नाउन पूछता तो क्या हो जाता, बी ऑप्शन एनिमेशन आपका क्या है करेक्ट हो जाता। प्रेजेंट क्या पूछता आपसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछता तो एनिमेटिंग क्या है आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। फिलहाल हमारा हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल पूछा है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला बेटा साउंड ऑफ बर्ड। साउंड ऑफ बर्ड क्या होती है, चिड़िया की आवाज़ को क्या क्या कहते हैं। तो बेटा उसे कहते हैं चिप कहते हैं उसे, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्वैक क्या होता है बेटा, ये किसकी आवाज़ होती है, ये होती है बेटा डक की आवाज़, किसकी होती है डक की। ट्रम्पेट क्या होता है, ये होता है बेटा हाथी की आवाज़, क्या होती है एलिफेंट की आवाज़ होती है, हाथी की आवाज़ होती है ट्रम्पेट, ठीक है। ग्राउल क्या होता है बेटा, ग्राउल होता है डॉग की आवाज़ होती है, किसकी होती है डॉग की, ठीक है। आवाज़ का मेनली यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्राई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं,
क्राई की बात कर रहे हैं, आवाज की बात कर रहे हैं क्राई, क्योंकि देखो अगर डॉग, वैसे तो कुत्ता भौंकता है लेकिन जब कुत्ता रोता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्राउल कहते हैं, ठीक है। और ग्राउल मतलब बताऊं क्या होता है, ग्राउल मतलब होता है, अगर आप एक तरीके से वर्ड देखें इसका मतलब होता है एक तरीके से विलाप करना, रोना, इसका मतलब क्या होता है, विलाप करना। अगर आप इसका बिल्कुल एक तरीके से मीनिंग निकाल के चलेंगे क्या होता है, इसका मतलब विलाप करना होता है, जब कुत्ता रोता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्राउल ही कहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब क्या बचा है हमारा, देखते हैं आगे कुछ बचा है तो यहाँ पर अब हमारा कुछ नहीं बचा है, हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला सेशन पूरा। हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस किए हैं, तो कुछ मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं, उन ट्रिक्स को आप यूज़ करके अपना क्या वर्ड पता लगा सकते हैं, कुछ अपनी सेंस भी यूज़ करनी है, ठीक है, कुछ सेंस से भी ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए जम के, कोशिश करूंगा इसके बाद एक और वीडियो आपको मिले, कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है। ये कंटेंट बनाने में ये सब में बहुत टाइम लगता है बेटा, क्या है कि इतना समय जाता है इन कंटेंट वगैरह को कंपाइल करने में, अच्छा कंटेंट दिया जाना चाहिए, तो यही बस हमारी क्या है कोशिश रहती है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा इसके बाद एक और वीडियो मिले, आप ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।